हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से वापस आ गए एक न्यू वीडियो के साथ। और आज की जो हमारी वीडियो है ये एक मेडिसिन से रिलेटेड है, और वो पर्टिकुलर जो मेडिसिन है वो है स्ट्रामोनियम। तो स्ट्रामोनियम एक ऐसी मेडिसिन है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरी हुई सहमी हुई स्वभाव की मेडिसिन है, और इसका यूज़ कोरोना काल में भी बहुत ही बेहतर हुआ है। और इसमें हमने जो भी सीखा है, जो भी एक्सपीरियंस किया है, वो आज आप लोग साथ शेयर करेंगे, ताकि आप लोग भी जो भी आप सीखें या जो भी देखें इसको प्रैक्टिस फील्ड में आप बेहतर ढंग से अप्लाई कर सकें, ताकि आप कभी भी स्ट्रामोनियम पेशेंट को देखें तो ये चीज़ समझ में आ जाए कि यार यही स्ट्रामोनियम है और हमें स्ट्रामोनियम ही मेडिसिन देना है, तो ये चीज़ एक कन्फर्म हो जाना चाहिए कि ये स्ट्रामोनियम पेशेंट है। तो इसमें जो हमने फर्स्ट रूब्रिक लिया हुआ है वो है डिल्यूजन प्योर सीज। तो इसकी जो प्योरिटी होती है, जो इसका एक भ्रम होता है कि हम प्योर हैं, मीन्स पवित्र हैं, शुद्ध हैं, ब्लेमलेस हैं, फॉल्टलेस हैं, तो ये इसके मन में हमेशा एक चलता रहता है, मन में चलता रहता है, और ये इसकी एक फिलॉसफी होती हो जाती है अपने पवित्रता को लेकर के, अपने प्योरिटी को लेकर के, कि ये जो गॉड है ना, ये हमको इतना पवित्र बनाया है, हमारी बॉडी को, हमारे मन को, हमें इसे कभी इम्प्योर नहीं करना है, हमें इसको कभी अशुद्ध नहीं करना है। तो ये पेशेंट जब भी कभी आपके क्लिनिक पर आएगा तो इसकी एक फिलॉसफी होती है कि डॉक्टर साहब, हम ना तो कभी सिगरेट पिए हैं, ना तो कभी दारू पिए हैं, ना कभी गांजा पिए हैं, हमने कभी भी कोई नशा नहीं किया है, और यहाँ तक कि ना किसी लड़की को कभी हमने टच किया है, और लड़की को छूने की तो बात अलग ही है, हमने कभी किसी औरत की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखा है, नज़र उठा करके भी नहीं देखा है। और ये सब चीज़ें हमने इसलिए किया है कि ताकि हम अपने शरीर को पवित्र रख सकें, प्योर रख सकें। इसकी एक फिलॉसफी होती है, जब भी कभी इसकी एक फिलॉसफी आती है आपको दिखेगी तो अपनी प्योरिटी के ऊपर दिखेगी, अपनी शुद्धता के ऊपर दिखेगी, कि हमें अपनी बॉडी को प्योर ही रखना है, कभी भी अशुद्ध नहीं करना है। तो ये चीज़ इसके सेंटेंस में, इसकी बातों में ये चीज़ आपको ज़रूर दिखेगा कि कभी भी हमें अपने शरीर को अशुद्ध नहीं करना है। तो ये चीज़ें इसके मन में हमेशा चलती रहती हैं। और इसकी वजह से ये अपनी बॉडी को, प्योरिटी को बचाने के लिए ये मीट भी नहीं खाता है, मछली भी नहीं खाएगा, एक भी नहीं खाएगा, ये नॉनवेज नहीं खाता है, ये शाकाहारी हो जाता है, कि ये भी एक तरह से अशुद्ध हैं और ये हमारे शरीर में आएंगे तो हमारे शरीर को भी अशुद्ध कर देंगे। तो ये इसकी वजह से शाकाहारी बन जाता है, ये नॉनवेज कभी नहीं खाता है। और इन सब के पीछे एक और भी बड़ा रीज़न होता है, ये जो हमारा सेकेंड रूब्रिक होगा यह है रिलीजियस। तो ये इतना ज़्यादा रिलीजियस होता है, इतना ज़्यादा धार्मिक होता है, ये भगवान पे इतना ज़्यादा फेथ करता है कि इनकी वजह से ये कभी कोई मांसाहारी या मदिरा, सिगरेट, दारू, गांजा, जो कोई भी नशा होता है ये कभी नहीं करता है। इतना ज़्यादा धार्मिक होता है, इतना ज़्यादा रिलीजियस होता है। और इसकी वजह से भी, रिलीजियसनेस की वजह से ये अपनी प्योरिटी को बचाने के लिए कभी भी मेडिसिन जल्दी नहीं लेना चाहता है, जैसे एलोपैथिक मेडिसिन। तो अगर आप इससे पूछेंगे कि आप एलोपैथिक मेडिसिन क्यों नहीं लेना चाहते हैं, तो ये बताएगा डॉक्टर साहब, ये जो एलोपैथिक मेडिसिन बनती है ना, उस पर भी एक फिलॉसफी होगी प्योरिटी को लेकर के, ये प्योर नहीं होती हैं, ये शुद्ध नहीं होती हैं, ये अशुद्ध होती हैं। अगर आपने पूछा ये ऐसे अशुद्ध क्यों होती हैं, तो ये बताएगा
ये जो एलोपैथिक मेडिसिन्स होती हैं ये एनिमल प्रोडक्ट से मिलकर के बनी होती हैं, और जब ये उसके प्रोडक्ट से मिलकर के बनी हुई हैं अगर हम खाएंगे इसको तो हमारी बॉडी अपवित्र हो जाएगी, मन भी अपवित्र हो जाएगा, तो हमें गॉड कभी माफ़ नहीं करेगा। तो हम ये जो अपने शरीर को हम अपवित्र क्यों करें, जब भगवान ने हमें पवित्र बॉडी दिया है, मन दिया, तो हम इसको हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी बॉडी को पवित्र रखें, इसको कभी अशुद्ध ना होने दें। तो इसमें एक थर्ड रूब्रिक आती है जो कि है माइंड चैप्टर से ही है, रिफ्यूज टू टेक द मेडिसिन। तो अपनी बॉडी के पवित्रता को, अपने मन के पवित्रता को बचाने के लिए ये एलोपैथिक मेडिसिन्स भी नहीं खाना चाहेगा कि अगर हमने इसको गलती से ले लिया तो हमारी बॉडी अपवित्र हो जाएगी, और जो भगवान ने बनाया है उसको हम बचा नहीं पाएंगे फिर उसकी पवित्रता को, बॉडी के। तो इसकी वजह से एलोपैथिक मेडिसिन भी नहीं लेता है। और इसके बाद नेक्स्ट रूब्रिक आती है माइंड चैप्टर से, ये क्लिंगिंग टेरिफाइड, मीन्स ये क्लिंग करता है, करता किससे, क्लिंग डॉक्टर से जो इसको रिलीफ देता है, और टेरिफाइड डरा हुआ होता है, जैसे अगर इसको कभी कोई दिक्कत होती है, जैसे मान लीजिए सैलून पर गया बाल कटवाने और वहाँ इसके सर में इरप्शंस कुछ हुए हैं, और सैलून वाले ने अगर कह दिया कि अरे ये आपके सर में इरप्शंस हैं और ये आगे चल के कैंसर बन सकते हैं, तो वहाँ से ये तुरंत भागता हुआ डॉक्टर के पास आएगा कि डॉक्टर साहब ये है सर में हमारे ऐसा, और सैलून वाले ने बताया कि ये तो कैंसर हो सकता है आगे चल करके, और अगर आपने बता दिया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये बहुत हल्का फुल्का है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आराम से सही हो जाएगा, तो फिर वो अपने आप को ये कहते हुए बताएगा कि हमने भी सैलून वालों को यही बात बताए थे कि ये कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन जब उसने कहा तो हमने कहा चलिए अच्छा डॉक्टर साहब से कंफर्म कर लेते हैं। तो एक कहावत आपने सुनी होगी कि जो डर गया समझो मर गया, तो स्टामोनियम इतना ज़्यादा डर होता है तो इसलिए वो डॉक्टर से वो चिपका रहता है कि जब भी कोई दिक्कत होती है इसको, चाहे वो खाना ही क्यों ना खा रहा हो, अगर उस टाइम पेट दर्द हो गया तो खाना पीना छोड़ करके तुरंत हाथ में हो सकता है जो भी लगा हो, बिना हाथ धुले वो डॉक्टर के पास चला जाएगा। तो पहले उसको कंफर्म करेगा कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, तो जब अगर आपने बता दिया कि नहीं ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है तो फिर शांत हो जाएगा। और जो नेक्स्ट रूब्रिक है वो है माइंड चैप्टर से ही है, और वो है कैरी डिजायर टू बी कैरी शोल्डर ओवर। तो इसका एक एग्जांपल हम आपको अपने क्लिनिक से बताते हैं कि एक पेशेंट आया अपनी वाइफ को लेकर के, उनको दिक्कत थी चक्कर आ रहा था, तो चक्कर आ रहा था उनकी वाइफ को, तो फिर वो भी सामने बैठ गए चेयर पर, तो हमने कहा आप थोड़ी देर के लिए पेशेंट को अकेले छोड़ दीजिए, अभी 5 मिनट बाद आइएगा आप। तो फिर जो हमने केस ले लिया उनकी वाइफ का और हमने मेडिसिन दे दिया, तो फिर वो जब आए तो बोले कि डॉक्टर साहब हम सुने हैं कि आप यहाँ से जाने वाले हैं क्लिनिक छोड़ करके, पर जाइएगा तो अपना कांटेक्ट नंबर फ़ोन वगैरह दे करके जाइएगा ताकि हमें कभी कोई दिक्कत होती है तो हम आपसे कांटेक्ट कर सकें। तो इसमें क्या होता है कि एक कहावत है कि ना डूबते को तिनके का सहारा, अगर स्टामोनियम पेशेंट को कभी भी कोई छोटी दिक्कत हो गई है और अगर वो आपसे ठीक हो चुका है तो उसके मन में ये चीज़ रहती है कि यहाँ से हम ठीक हुए हैं, और अगर हमें कभी भी कोई बड़ी दिक्कत होती है या कोई भी दिक्कत होती है तो हमें डॉक्टर से तुरंत कांटेक्ट कर सकें, हम डॉक्टर से तुरंत कांटेक्ट कर सकें, तो इसके लिए वो कांटेक्ट नंबर वगैरह एड्रेस वगैरह सब ले लेगा, यानी हम पूरी तरह से डॉक्टर को जान लें कि डॉक्टर साहब का घर कहाँ है, डॉक्टर साहब का फ़ोन नंबर कहाँ है ना, कैरी डिजायर टू बी कैरी शोल्डर ओवर, तो पूरी तरह से डॉक्टर के बारे में जानकारी ले सकें, ले लें, ताकि हमें कभी भी कोई आगे चल करके दिक्कत होती है तो हमें डॉक्टर साहब को ढूंढना ना पड़े, आसानी से हम फ़ोन करें और डॉक्टर साहब से कॉन्टेक्ट कर सकें। तो
तो ये थी आज की हमारी रूब्रिक जो कि इस टर्मोनियम में हमने आपको एक्सप्लेन किया, और इसमें अभी भी बहुत सारे रूब्रिक हैं जो हमने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। तो ये इतना एक थीम है इस टर्मोनियम का, जिससे आप इस टर्मोनियम को आसानी से जज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये इस टर्मोनियम है। और इसकी एक खास बात और होती है इस टर्मोनियम की, कि ये जब कभी भी आपके क्लिनिक में आएगा तो आपसे ना तो नमस्ते करेगा ना तो हाय हेलो करेगा। ये जैसे ही केबिन में आपके एंट्री करता है तो ये तुरंत अपनी तकलीफ को लेकर के बताने लगेगा, और ये कभी भी इस तरह चेयर पे पीछे टच होके नहीं बैठता है, ये एकदम बिल्कुल ऐसे आगे होकर के बैठता है और आँख पटी की पटी रहती है। इसको ये लगता है कि हमारी तकलीफ कितनी जल्दी डॉक्टर साहब को बता दें और डॉक्टर साहब दवा दें, हमें आराम मिल जाए। तो ये कभी भी जब भी स्टमोनियम आएगा तो इसकी एक खास ये ऑब्जर्वेशन होता है स्टमोनियम पेशेंट का, कि ये कभी भी अपने बारे में ज़्यादा कुछ बताएगा नहीं, नमस्ते नहीं करेगा, हेलो नहीं करेगा, तुरंत अपनी तकलीफ को लेकर स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि इतना ज़्यादा घबराया होता है, इतना ज़्यादा डरा होता है अपनी तकलीफ को लेकर के, कि ये तुरंत अपनी तकलीफ बताने लगता है और ये चाहता है कि हमें तुरंत जल्दी से जल्दी डॉक्टर साहब मेडिसिन दे और हमें जल्दी जल्दी आराम मिले। तो ये स्टामोनिया भी एक खास ऑब्जर्वेशन पॉइंट होता है जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं ये स्टामोनिया पेशेंट है। तो ये था आज का हमारा वीडियो जो कि स्टामोनियम से रिलेटेड था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।